वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस रिमोट में जो ये MI फंक्शन दिया गया है, देखिए जैसा आप देख रहे होंगे, ये MI बटन जो दिया गया है इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। जैसा कि आपका टीवी, जो भी आपका MI का टीवी है, किसी भी फंक्शन पे है, देखिए जैसा आप देखते हैं तो इस तरीके से आपका MI टीवी चालू होता है। उसके बाद MI स्पेशली यहां से आप देख रहे होंगे, ये MI का एक बटन है। जब आप इसको प्रेस करते हैं, MI की को प्रेस करते हैं तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है आपको, इस तरीके का पेज दिखाई देता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको होम दिखाई दे ही रहा है कि होम पेज इस तरीके का आएगा। उसके अलावा कुछ मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि ये आपको दूसरी एप्लीकेशन पर भी ले जा सकता है और उसके लिए आपको चार्ज भी पे करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे मूवी शो, और उसके बाद कुछ लाइव जो चल रहा होता है उनके बारे में, जैसा कि ये सभी लाइव जो चल रहे हैं, हो सकता है कि इनमें से कुछ चैनल चल जाएं और कुछ चैनल आपको किसी दूसरी ऐप पर ले जाएं। मैं आपको एक चेक करके दिखाता हूँ, जैसा कि आज तक के लिए हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने आज तक ओके कर दिया है। अब यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ इसको। ये Z5 की ऐप से चालू हुआ है तो आपको Z5 की ऐप यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। Z5 का जो सब्सक्रिप्शन है, जो फ्री चैनल्स हैं दोस्तों, इसके बारे में आप खुद एक बार चेक कर लें। मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्पोर्ट्स में आप यहां से चैनल देख सकते हैं, ये भी आपको दूसरी ऐप पर ले जाएगा जहां से आप इनको देख पाएंगे। किड्स के लिए आप यहां से देख सकते हैं, म्यूजिक के लिए यहां से देख सकते हैं, और डिस्कवर के लिए जो भी डिस्कवर हुआ है उसके लिए आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, यहां से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां से किड्स के लिए स्पेशली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहां से ये जो बेल दी हुई है, ये नोटिफिकेशन आइकन है, ये आप वाईफाई का देख रहे हैं। यहाँ पे अलग से आपको एक सेटिंग मिल जाती है, सेटिंग में आप इस तरीके से MI संबंधी जो भी आप सेटिंग्स करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ इसमें छेड़ दिया है तो आप ये MI बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, और ये डिज़्नी हॉट स्टार का यूट्यूब प्राइम वीडियो, जैसा कि आपको फ्रंट पेज पर दिया हुआ था, गूगल प्ले स्टोर, और उस आप रिमोट को ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। यहाँ पर नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, यहाँ पर इनपुट देख रहे होंगे, इनपुट में क्या इनपुट करना चाहते हैं आप, ये भी यहाँ से इनपुट कर सकते हैं वापस। और उसके बाद यहाँ पर ये डिज्नी हॉट स्टार के बारे में, यूट्यूब के बारे में प्राइम वीडियो यहाँ से चला सकते हैं आप, गूगल प्ले चला सकते हैं, और ये उसके बाद यहाँ पर ये यूज़र सेंटर दिया हुआ है और ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर आप ओके करेंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद आप यही सब चीज़ें एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ वॉलपेपर संबंधी आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे मिराकाश, जो कि 50 इंच के टीवी पर लिखा हुआ मिलता है कि हाँ मिराकाश इनबिल्ट है इसमें, तो यहाँ से ये मिराकाश मिल जाता है। लेकिन ये मिराकाश आपको जब भी मिलेगा, जब आप टीवी जब खरीदेंगे तो उस समय पर जो इसमें सॉफ्टवेयर है वो आप अपडेट कर लेंगे तब ये आता है ग्रीन कलर से मिराकास्ट। इससे आप अपना मोबाइल भी कास्ट कर सकते हैं। कास्ट मीन्स आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आप इस पर अपने टीवी पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन मैंने मान लो डाउनलोड की हुई है वो आ जाती है यहाँ पर। ये यूट्यूब म्यूजिक है और Z5 की एक ऐप मैंने डाउनलोड की है। बहुत सारी ऐप अभी मैंने डाउनलोड नहीं की है इस टीवी में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऐप होंगी उतना ही टीवी हैंग हो सकता है, चाहे वो कोई भी टीवी हो। वापसी आने के लिए आपको फिर से ये वाली की प्रेस कर देंगे।